है चलने दो आंधिया हकीकत की, न जाने कौन से झोंके से अपनों के मुखौटे उड़ जाए। अमेरिका खुद तो भारत को रॉ मटेरियल दे नहीं रहा है, पर अब रूस जो भारत को मदद कर रहा है उसमें भी बड़ा अड़ंगा लगा रहा है। अमेरिका ने ऐसी शर्त रख दी है कि रूस भारत की मदद आधा ही कर पाएगा। तो रूस ने क्यों दौड़ाया अमेरिकी वायुसेना को, बिल्कुल खदेड़ दिया। इसके अलावा WTO में भारत की जो मांग थी उस पर अमेरिका ने दिया है बड़ा ही अजीब रिएक्शन। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में इस वक्त महामारी एक आपदा बनकर टूटी है और सेकेंड फेज की, और ये जो दूसरी लहर है ये इतनी भयानक हो गई है कि इस वक्त भारत को मदद की जरूरत है। और देखिए मदद करने के लिए आया भी तो कौन आया, एक तो भारत का पुराना दोस्त रूस, दूसरा सऊदी। सऊदी की तरफ से तो ऑक्सीजन पहुंचना भी शुरू हो गया, तो वहीं ब्रिटेन ने भी अपने तरफ से इक्विपमेंट्स भेज दिए हैं, जिसकी पुष्टि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने ट्वीट के जरिए करी। लेकिन रसिया से मामला फंस गया है और ये फंसा अमेरिका की वजह से है। अमेरिका रेमडेसिविर का इंजेक्शन देने से मना कर रहा है। जानेंगे क्या है मामला, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि WTO की बात जब उठी और अमेरिका में हंगामा होने लगा कि जिस तरह से भारत और अफ्रीकी देशों की मांग है कि टेक्नोलॉजी को फ्री किया जाए ताकि दुनिया के बाकी देश बना सके, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर हम तत्काल के लिए भी पेटेंट्स को हटाते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हमने जो इतना खोज करके इस टेक्नोलॉजी को बनाया है ये बहुत आसानी से चीन और रूस के पास पहुंच जाएगा। और ये बातें किसने कही है, तो जो व्यापारिक वर्ग है अमेरिका का और जो कंपनियां है वो प्राइवेट मीटिंग कर रही है अमेरिकी व्यापार संघ के साथ और व्हाइट हाउस के ऑफिशियल के साथ, जिसके बाद वो कह रही है कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम नहीं दे सकते हैं, चीन और रूस इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इन संघों का ये कहना है कि हमने इस वैक्सीन के जरिए इतनी सारी चीजें खोज कर ली हैं कि भविष्य में कैंसर का और हार्ट की प्रॉब्लम्स का भी हम इलाज कर पाएंगे। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी किसी भी कीमत में रूस और चीन के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी बनिए वाला दिमाग लग गया, लोग मर रहे हैं, मरते रहने देना है, लेकिन ये जरूर देखना है कि प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा। भारत के साथ 60 देश हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इनमें से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटाएं, लेकिन उसको अनसुना करते हुए UK, यूरोपीय यूनियन, स्विट्जरलैंड, बाइडेन और अमेरिका की जितनी भी फार्माक्यूटिकल्स कंपनियां हैं वो इसे नहीं करना चाहती हैं। वहीं आपको बता दें अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मोडेना, नोवैक्स से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं करा। अब देखो WTO में मीटिंग का दौर पे दौर चल रहा है, जहां पर ये भी मानना है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कैसे जिंदगियों को बचाया जाए, तो वहीं ये देश मानने को तैयार नहीं है। चीन और रूस तो एक बहाना लगा रखा है। दरअसल अमेरिका का मानना है कि अमेरिका ने जो वैक्सीन बनाया है mRNA के तहत, उससे भविष्य में और भी कई तरह के इलाज ढूंढने में मदद मिलेगी, इसलिए ये टेक्नोलॉजी किसी भी हाल में किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। अब देखो आप WTO में अभी भी इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत के लिए एक और बड़ी संकट खड़ा कर रहा है। दरअसल हाल में सबसे पहले रूस ने भारत की मदद करने का ऐलान करा था और इस वाले मोड पर रूस चल भी पड़ा। रूस की तरफ से खास तौर पर विमानों का इस्तेमाल किया गया है, खास विमानों का जो कि बड़े रेंज में कोरोना से रिलेटेड जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं, ऑक्सीजन जनरेटर, कॉन्सेंट्रेटर और दवाइयां लेकर भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगी। लेकिन अब जो रेमडेसिविर दवाई की बात कही थी रूस ने कि वह 3 लाख से 4 लाख इंजेक्शन भारत को भेज सकता है जल्द से जल्द, ये जैसे ही खबर कान में पड़ी अमेरिका के वैसे ही घंटी बज गई, क्योंकि ऐसे भी रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते ठीक नहीं है और रूस ने जो ये दवाई बनाई है ये बिना लाइसेंस लिए बनाई है, और अगर ये एक्सपोर्ट रूस भारत को करता है तो पेनल्टी जहां अमेरिका रूस पर लगाएगा तो वहीं भारत पर भी लगाएगा। देखो ये जो कंपनी है जीलीड, ये कंपनी है अमेरिकन और ये बनाती है रेमडेसिविर के इंजेक्शन, और इसने सिर्फ 10
मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दिया है जिसमें भारत, इजिप्ट, पाकिस्तान शामिल है, लेकिन कोई भी रूसी कंपनी नहीं है। जब से ये महामारी फैली है तब से इस दवा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि WHO ने इसके बारे में ये कहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ये बचाता है, लेकिन फिर भी इस इंजेक्शन की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप ये सोचिए भारत में 10 गुना ज्यादा दाम में ये ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। इसके बावजूद भारतीय कंपनियां इस दवा को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है। पर अब जो रूस भारत को ये दे रहा था ये भारत को नहीं दे पाएगा, क्योंकि इससे न सिर्फ रूस को प्रॉब्लम होगी बल्कि भारत को भी प्रॉब्लम होगी। भारत और रूस के बीच में बातचीत चल रही है जिसके बाद अगले कुछ दिनों में सारी चीजें पहुंचना शुरू हो जाएंगी। अब देखो, रूस ने एक तो कैलिफोर्निया बेस्ड जो ये कंपनी है जीलीड साइंस INC इससे परमिशन नहीं लिया, क्योंकि जब इससे मांगा गया परमिशन तो इन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया, जिसके बाद रूस ने सीधे अपनी कंपनी को ये कह दिया कि आराम से इस दवा को बनाओ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भावना में बहकर भारत को जब मदद देने की बात आई तो रूस ने सबके सामने इस चीज को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद कान खड़े हो गए अमेरिका के। यही वजह है कि इस लिस्ट में अभी ये इंजेक्शन भारत नहीं आएगा, जबकि अब इस मामले में भारत अमेरिका से बात कर रहा है जहां पहले से कच्चे माल वाला मामला फंसा हुआ था, तो अब इस इंजेक्शन के लिए भी बात कर रहा है कि रूस को यह इंजेक्शन भारत को देने दो। पर अब देखिए अमेरिका क्या रुख अपनाता है। वैसे अमेरिका और रूस के बीच अभी तो बिल्कुल तनाव है, लेकिन तनाव का असर आप यहां तक देख सकते हैं कि रूस के बॉर्डर के पास अमेरिकी जासूसी विमान पहुंचे थे, जिसके बाद रूस ने 5-6 MiG-31 फाइटर जेट को उनके पीछे लगा दिया। पैसिफिक ओशियन में रूसी बॉर्डर के पास जब ये पहुंचे तो MiG-31 ने इन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। अमेरिका का RC-135 स्ट्रेटजिक एयरक्राफ्ट इस इलाके में घुसा था, जो कि रूस के फ्लीट और रूस के युद्ध पोतों की तैनाती को देख रहा था। वैसे भगाने के बाद रूसी प्लेन वापस अपने बेस में आ गए। तो रूस और अमेरिका के बीच का ये झगड़ा तो चलता रहेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रूस और अमेरिका के इस झगड़े में भारत पिस जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त अमेरिका जरूरत से ज्यादा बनिया और कठोर नहीं हो रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।